इंकलाब की आवाज, शहीद आजम भगत सिंह का गांव खटकड़ कलां, आम आदमी पार्टी की नई सरकार यहां से पंजाब क्रांति की शुरुआत करने वाली है। 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री यहां शपथ लेंगे। 92 विधायकों के बहुमत वाली आप सरकार के सामने कैबिनेट के चुनिंदा चेहरों को चुनने की बड़ी चुनौती है। आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया, हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको परवान किया, सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने उस सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में 12:30 बजे 16 तारीख को उस सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए अमृतसर से टेंट, कुर्सियां और साजो सामान आ चुका है। 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शहीद भगत सिंह के इस स्मारक में 1,00,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। प्रशासन के मुताबिक कई सालों के बाद यहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। पंजाब के आसपास के कई जिलों का प्रशासनिक अमला कमर कसकर तैयारियों में जुटा है। तैयारियां भगत सिंह के घर में भी की जा रही हैं। यहां उनके माता पिता किशन सिंह और विद्यावती कौर रहा करते थे। उनका पलंग, बर्तन और पुराना कुआं स्मारक बनाकर सहेजा गया है। हालांकि आजादी के मतवाले भगत सिंह के घर का सामान तालों में बंद है। बदलाव की क्रांति की शुरुआत हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार पंजाब की नई सरकार का शपथ ग्रहण खटकड़ कलां में यानी शहीद आजम भगत सिंह की धरती से इसी स्मारक से होने वाला है और इसी के लिए तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। इस स्मारक में तैयारियों के लिए देखिए लोग अभी से आने शुरू हो गए हैं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये भी तय हो गया है कि 16 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण यहीं पर होगा। ये सब लोग जो आए हैं अमृतसर से आए हैं, आप लोग आज यहाँ किस उससे आए हैं? मैडम हम यात्रा आए से आनंदपुर साहब से, तो जा रहे थे गाँव अपने। अच्छा, तो अहीं देखा तो सिक्योरिटी सारी है, तो अहीं भगत सिंह का घर देखना चाहते ही। अच्छा। अज अभी पहली आ रही थे, आए हैं जी जी, तो अजायब घर देखने आए हैं। ਅਸੀਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। आप बच्चों को भी लेकर आए दिखाने के लिए? जी जी, दिखाने के लिए इनको। दिखाने के लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल। ये वो तीर्थ है जहां आपको जरूर एक बार आना चाहिए और अब ये तीर्थ राजनीति के केंद्र में भी आ गया है। अब तो नई सरकार यहां शपथ लेने जा रही है, उससे आपको लगता है इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है? जी जी, ये जो नई सरकार आई आ बहुत चंगी गल है, कुछ ना कुछ इस चीज नु दे के जाऊगा, इस पिंड नु देना बनता है, देना बनता है इसका। हाँ। तो बहुत खुशी वाली गल आ, सरकार नई आई आ, नया दौर चले। आपने भी भर भर के वोट दिए इस बार? जी जी, बहुत बहुत वोट दिया है पंजाब में। हाँ। चाडू चाडू हो गया है, चाडू चाडू हो गया और इसीलिए जो सेलिब्रेशन है वो भी इस जगह से होगा। उसकी तैयारियां भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमला, पुलिस का अमला, SSP, IG, DC सभी की टीम यहाँ पर मौजूद है। अंतिम तैयारियों को इस वक्त पूरा किया जा रहा है और सिक्योरिटी में कहीं कोई चूक ना रह जाए क्योंकि भगवंत मान ये कह चुके हैं कि जब यहाँ शपथ ग्रहण होगा तो पूरा पंजाब जुटेगा इस धरती पर और शहीद आजम की इस धरती से ही पंजाब की सरकार नई क्रांति का नया अध्याय लिखने का संकल्प ले रही है। जाहिर है ये पंजाब या ये भारत आज़ाद भारत तो है लेकिन भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं है और नई सरकार के सामने, पंजाब की नई सरकार के सामने चुनौती यही होगी कि शपथ ग्रहण यहां से हो तो फिर इसे भगत सिंह के सपनों का भारत भी बनाया जाए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी।